सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप गेमिंग लवर हैं या गेम खेलते हैं स्मार्टफोन पे और आपको चाहिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन काफी सस्ते में, तो मैं आज आपको बताऊंगा काफी सारी ट्रिक्स कि एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले क्या क्या देख ले अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, ये सारी चीजें साथ ही मैं बताऊंगा। और जो ये मैं स्मार्टफोन बता रहा हूं वो जैसे पबजी वाले गेम है या काफी सारे काउंटर स्ट्राइक गेम है, काफी हैवी गेम है, बड़े गेम है, ज्यादा एमबी के गेम है, वो सारे ही इस पे बहुत ही पानी की तरह स्मूथली चलेंगे, ग्राफिक्स बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे चूज करना है एक अच्छा सा मोबाइल जिससे आप हैवी गेम लाइक पबजी आसानी से खेल सकें और वो हैंग ना हो, चाहे कॉल आ रही हो, चाहे मैसेज आ रहा हो, चाहे नोटिफिकेशन आ रही हो, वो हैंग नहीं होगा अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान में रख के अपना स्मार्टफोन खरीदेंगे तो। तो दोस्तों मैं आपको चलिए बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई थी पबजी पे कौन सा स्मार्टफोन अच्छा रहेगा, तो PUBG आप देखेंगे तो 1GB RAM लिखा होता है, प्ले स्टोर पे जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट 1GB RAM। दोस्तों ऐसे ही काफी टाइम पहले जब विंडो आता था, जब कंप्यूटर लैपटॉप यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर आता था, तो उसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी रहती थी कि इतना स्पेस होना चाहिए आपकी हार्ड डिस्क में जिससे आपका कंप्यूटर स्मूथ चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर काफी अपग्रेड हो गए लेकिन वो चीजें लिखी वही चीज रहती थी मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आज के टाइम पे PUBG काफी बार अपडेट हो गया, उसके नए नए वर्जन आ गए हैं, नए नए ग्राफिक्स आ गए हैं, नए नए गेम आ गए हैं, उसके अंदर काफी सारे फीचर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं जिससे गेम हैवी हो गया है। तो इसलिए 1GB RAM तो बिल्कुल भी ना लें अगर आप PUBG खेलना चाहते हैं, गेमिंग के शौकीन है, गेम ज्यादातर खेलते हैं, अपना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, तो कभी भी 1GB RAM बिल्कुल ना लें आज के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर आपको लेना है तो स्टार्ट कीजिए 2GB रैम से, वैसे मार्केट में 3GB रैम भी 8000 रुपए में मिल जाता है आसानी से। अच्छी अच्छी कंपनियों का स्मार्टफोन 8-8.5 हजार रुपए में अगर आप ऑनलाइन सेल में लेंगे तो आपको 3GB रैम आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर 3GB नहीं ले सकते तो 2GB से स्टार्ट कीजिए। हर 2GB फोन चाहे बड़ी कंपनी का हो चाहे लेटेस्ट कंपनी का हो, सबका 2GB रैम 6,500 से लेके 7,500 रुपए में आपको आसानी से ऑनलाइन सेल में मिल जाएगा। सेल हर महीने चलती रहती है, सेल का ऐसा कोई नहीं है कि होली दिवाली चलेगी, सेल अब हर महीने किसी ना किसी बहाने से ये ऑनलाइन कंपनियां चलाती रहती हैं। तो 6,500 से 7,500 के बीच में आप आसानी से 2GB रैम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2GB रैम लीजिए। दूसरी चीज है ग्राफिक्स। कभी भी नई कंपनी का फोन या न्यू लॉन्च फोन हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लीजिए मत लीजिए, उसको लीजिए मत लीजिए ये आपका डिसीजन है, लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जितने भी हैवी बड़ी कंपनियों के मोबाइल हैं आप उनके 6,500-7,500 रुपये का जो मॉडल आता है उसको खरीदिए और चेक कीजिए कि प्रोसेसर बहुत ही अच्छा हो। अगर दोस्तों मीडिया टेक प्रोसेसर से ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा, दोस्तों मीडिया टेक प्रोसेसर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से, ये मेरी कैलकुलेशन है। और अगर आपको स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है मोबाइल में तो उसको चूज कीजिए। दूसरी चीज है, बहुत सारे मोबाइल में अलग से ग्राफिक्स दिया होता है, ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए काफी चीज दी हुई होती है, ये चीजें आप फाइंड आउट कर लीजिए फोन के डिस्क्रिप्शन में। जो मैं काफी सारे फोन बताता हूँ उसमें मैं ग्राफिक्स कार्ड ही बताता हूँ, और मेरी वेबसाइट पर जो स्मार्टफोन रहते हैं उसमें भी ग्राफिक्स कार्ड मतलब ग्राफिक्स किसका किसका अच्छा है किसका अच्छा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ग्राफिक्स को देख लीजिए और 2GB रैम देख लीजिए। इसके बाद आप कम से कम इंटरनल स्टोरेज 16GB से कम नहीं होना चाहिए, वैसे 2GB रैम लेंगे तो 16GB इंटरनल स्टोरेज तो आनी ही है, लेकिन अगर आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये चीजें आप देख लीजिए। दूसरी चीज ये है, आजकल अगर आपको अच्छा गेमिंग का मजा लेना है तो आप एक बड़ी स्क्रीन वाला फोन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा 5 इंची वाला लीजिए, आप 5 इंची को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, 6
6.1 इंच से ऊपर ऊपर की जो स्क्रीन आती है वो लीजिए, 5.5 का भी मत लीजिए, 6 वाली स्क्रीन लीजिए, यानी 6 इंची की स्क्रीन लीजिए। और आजकल तो आपको 7.5-8 के बीच में फुल नोच डिस्प्ले मिल जाएगी, यानी फुल स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे स्क्रीन रहेगी, यानी पूरा बहुत ही अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस आएगा। तो फुल नोच वाली डिस्प्ले लीजिए अगर आप गेमिंग के शौकीन है। 7.5-8 हजार के बीच में आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 500-1000 रुपए में कोई चीज फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने शौक के लिए ले रहे हैं, गेम खेलना है स्पेशली, तो ये चीज लीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो गेम खेल रहे हैं उसके एक्सपीरियंस में काफी बढ़ोतरी आ जाएगी। आप आसानी से पबजी वाला गेम इस पे मजे से खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करना है, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पे क्लिक करना है, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलेगी सबसे पहले देखने को। और हमारी और आपकी बातचीत होती रही, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो को लेके या पबजी वाले स्मार्टफोन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।